केंद्र सरकार फर्टिलाइजर्स की कीमतों को नहीं बढ़ाएगी। यह फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए निराशा की खबर है। फर्टिलाइजर कंपनियां सरकार से इसकी कीमतें बढ़ाने की काफी समय से मांग कर रही थी। इसके पीछे उनका तर्क था कि उनके कच्चे माल में कीमतों में तेजी बढ़ोतरी हुई है। MSP MRP में भी बढ़ोतरी की थी मांग। सरकार से फर्टिलाइजर कंपनियों ने यह भी कहा था कि अगर वे सब्सिडी में कोई इजाफा नहीं करती हैं तो सरकार उनके लिए MSP MRP यानी बिक्री की कीमत को बढ़ाने की इजाज़त दे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों की इस मांग को पूरी तरह नामंजूर कर दिया है। फर्टिलाइजर मंत्री ने सेक्टर की सभी कंपनियों को साफ तौर पर यह कहा है कि वे ना तो सब्सिडी में कोई बढ़ोतरी करेंगे और इसके साथ ही वे MSP MRP को बढ़ाने की कोई इजाज़त नहीं देंगे। मनसुख मांडविया ने कंपनियों को साफ कहा है कि उन्हें जो बड़ी कीमत है उसके साथ ही रहना होगा। इस मामले में सरकार को कहीं ना कहीं मिली भगत का अंदेशा हो रहा है, इसलिए सरकार ने यह भी कहा है कि वे यहां मिली भगत की भी इजाज़त नहीं देंगे। आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल जून में फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बढ़ाई थी क्योंकि उस समय कच्चे माल की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी। अब भी कच्चे माल की कीमतों में तेजी के साथ इजाफा हुआ था जिससे फर्टिलाइजर कंपनियों की लागत काफ़ी बढ़ गई थी। इसलिए कंपनियों ने सरकार से मांग की थी कि वे उन्हें कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दें या सब्सिडी बढ़ाने का फैसला करें। ऐसा माना जा रहा था कि सरकार 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला लेगी, लेकिन अब ये बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया ने कंपनियों से साफ तौर पर कहा है कि ना तो वे उन्हें कॉस्मेटिक फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ाने की इजाज़त देंगे और ना ही सब्सिडी को बढ़ाने का कोई फैसला किया जाएगा। इसके साथ मांडविया ने कंपनियों से यह भी कहा कि किसी भी तरह की मिलीभगत को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद फर्टिलाइजर कंपनियों को इन बातों को लेकर निर्देश दिए हैं। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आ रहा है जब फर्टिलाइजर कंपनियों की लागत बढ़ रही है, इसके साथ सप्लाई में भी दिक्कतें हैं। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी फर्टिलाइजर के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं भारत में फर्टिलाइजर की कीमतों में इजाफा होने पर रोक लगा दी गई है, तो यह उन कंपनियों में परेशानी वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।